Adam Plus. हे महाप्रभु मोर अपराध हेगला महाप्रभु समाज रे संस्कार करिया को जे मुझो निया लगेती रे तुम कर पड़ी गला आपण मो अपराध क्षमा करंतु प्रभु आपण मो आराध्य देवता आपणको छाड़िए बढ़िया दास बची पारिबो नाही सारा जीवन आपणकर सेवा करी सारा जीवन मु आपणकर भक्त ही रही थी हेले एही भक्त पाई आपणको घर भांगी गला हे जगन्नाथ जी मत केवा करो केवा करो केवा तू टी आईचु काई की जा पट जा तू आश्रम को जा मु एठी बसली जा गोसाई एपडे बसले लोक माने जीवा से करिवे अरे कोन करी मु एठी बसी भी मो प्रायश्चित करिवि जा कौन ला प्रायश्चित कर लंडा हल कांधर पैता छिड़ेल से किसी है हाँ मंदिर आगे मुंड बाड़े कौन प्रायश्चित हो कौन करी कौन कर आश्रम को चल आश्रम को नहीं प्रभु तो घर भांगल आबे मंदिर आगे आसी बसिले कौन घर जोड़ी तुमको यह सब कम करने को किए कहला मंदिर मालिक चाकर भाई मो दुनिया रे कहारी को डर दिवे तुम जहा भूल कर आगे प्रायश्चित कर आश्रम को आज आपण को जो पत्नी अवांछित मन हो से अभाव आपण अनुभव करेंगे बार वर्ष जाए आपण लक्ष्मी चढ़ाई बुलिबे क्षुदा और जंत्रणा रे हा अन्न चित्कार करेंगे भाई लक्ष्मी चली गले बोली मन दुख कर चुकी नहीं नहीं मन दुख कहीं करी ताहले एकुटिया कहीं बसचु मंदिर रे कहीं देवादेवी ना चारिआड़े सुनसान आगपरी आउ भक्त माने भी आसुना से एठी एकुटिया बसी थी देवादेवी माने लक्ष्मी को समर्थन करी चली गले ना पूजा पाइबे नहीं बोली मंदिर छाड़ देले से कथा मु केमती कहि परिबी भाई से माने तो आपन को सहित आलोचना करी थिले से आलोचना रो किछि मूल्य नै से माने कहुथले लक्ष्मी को फेरि आनिबा पई कोड़े जाउ छी बाहर बुली आसवि लक्ष्मी विषय कौन से आलोचना शुणापी चाहूना
ठीक अच्छे एणिक से विषय आलोचना हम ना किद हम मु देखु तू प्रसाद ग्रहण करुना उपवास रोचु तार कारण कौन जो प्रसाद ग्रहण योग्य नुहे से महाप्रसाद के कौन लक्ष्मी प्रसाद रांधि ना बोली भाई आपण मत कथा देखते एणिक लक्ष्मी के विषय कौन सी कथा उठो ना उपवास रे रह तो पाई बाध्य मत भी उपवास रहा पड़ी पूजा सरला एथर अनुकूल हबो अरे नडियाटा भांगो आज्ञा हां धरो हरिवाला आजी आजी जणे चंडाळ नौ वाणिज्य करिया पई नौका को विदेश को पठौछ एक निश्चित भाव वैश्य आधव मान देखुवे निश्चय कह बोलिए बलिया गोसाई नगर भितर अशांति सृष्टि करे कह किए डरी मोर जहा कर कथा निश्चय करी ए बोईतर ना है नारायणी नारायणी को सर्वशुभ रे बोईत यात्रा आरंभ कर प्रणाम माता माता आपण को निर्देश अनुसार मु आपण को प्रसाद निर्माण करी छी आपण एठा ही अवस्थान करिवे मु तुम कार्य रे बहुत खुशी विश्वकर्मा मु तुमको आशीर्वाद करुछि तुमे जसुसी हो प्रणाम माता मुझे विदाय ले छी मु जानी थिली मा सांतानी निजे रहिबा पई गोटे सुंदर प्रासाद गढ़िबे जानी थिलु तो मो सहित झगड़ा करथुनु काई कि तो गछ रहिबा जीव तोर प्रासाद कोन हबो मु मांकर बहान मा मो बिना कुआडी भी जानतिनी तू दासी जा घर काम करि मा देखु चंदी से मते केमिदि कहू छी ओहो तमे माने निजो निजो भीतर झगड़ा काई कि करूछ टिके चुप रहि पारु न पेची तू श्रीमंदिर को जा मु श्रीमंदिर को काहे के जीवी सेठी दुई ठाकुर अछंदी मते देखिले गाली करिवे मु श्रीमंदिर रो आसीबा परे दुई भाई सेठी कोन करूचंती तू जा देखि के आसीबु सुन पेची मंदिर को लुची करि जीवु तते जेमते सेठी केही देखिबेनी मंदिर रे तो को देवा देवी नहंदी मते देखिबो के मु लुची करि रहिबु ओ तू एथर जा तमें दुहे भी भीतर को जाओ
ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆପଣ ମୋର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୋତେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆପଣ ପ୍ରବାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଭୁ। କିରେ, ମୁଁ ତତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି, ତୁ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭାଇ, ଏ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ତ, ସେଥିପାଇଁ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ, ଏଠି ବସିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି ଭାଇ, ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଚକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଚକା, ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସମାଜରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନ ଭାଇ, ସେ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ବି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇ ବୁଲିବା। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା ଚକା, ଆରେ ଆମର 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଜୀବନସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ସେସବୁ ସରିବନି, ଆମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧ ହୁଏ ଆଗକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସେସବୁ କଥା ଭାବି ତୁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେନା ଚକା, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଜିବା ଶୋଇବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ। ତତେ ସେଠି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ? ମନ୍ଦିରଟା ତ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଦେଖିବ କିଏ? ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି କେ ଜାଣି, ସେବାୟତ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବା ମାତ୍ରେ ପହଡ଼ ପକେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲୁଚି କରି ବସିଥିଲି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଖବର କ'ଣ? ସାନ ଠାକୁର ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ତମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ସାନ୍ତାଣୀ, ସାନ ଠାକୁର ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସାନ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇ ବୁଲିବା, ହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଆମର 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଜୀବନସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ସରିବନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଗର୍ବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତୁଟିନି। ସେଇ କଥା ପରା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବନି। ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେତେବେଳକୁ ସେବାୟତମାନେ ବି ପାଖରେ ନଥିବେ। ତୁ ଭିତରକୁ ଯା, ମୁଁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ହଉ ସାନ୍ତାଣୀ। ହେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି।
दादा। आपण आमको स्मरण कले माता? हाँ तमें माने जानिथिबो गोटे सिद्धांतर प्रतिष्ठा करिबा पाई मु श्री मंदिर छाड़ी एठिक चली आसी दुई ठाकुर सहित मोर एबे किछि भी संपर्क नै आशा करूछी मु जो लक्ष्य नहीं कि एठिक आसी तमें माने सेथिरे मते साहाज्य करिबो गोटे गुरु दायित्व दबार अछि तुले पारिबो आपण निर्देश दिंतु माता आमे निश्चय पारिबो तमे माने श्री मंदिर को जीव मंदिर भितर जहाँ धनरत्न अछि ताकु नहीं कि चली आसिबो दुई ठाकुर पिंधा लुगा भी रखिबो नै तापरे रोसो घर भितर को जीव जहाँ खाद्य पदार्थ अछि ताकु खाई शेष करदेव सकाळ हेला बेलकु मंदिर रे खुद कणिकाटी भी जमीति न रहे पारिबो निश्चय पारिबो माता हाँ आउ गोटे कथा दुई भाई जो रत्न पलंग रे सोइचंती ताकु नहीं आसी तांकु दौड़िया खटरे सोई देव आपण तो आमको विपद रे पकाई देले माता विपद कौन आपण तो जानती दुई भाई अचल महामेरु तांकु उठाइबा बहुत कष्ट तथापि आमे आमर समस्त शक्ति प्रयोग करी तांकु रत्न पलंग उठाई देबु किंतु जदि सही समय रे तांकर निद्रा भागी जाए तबे सेमाने कोन आमु जीवन रु रखिबे तमे माने भय करूछ काई कि माता जणक हाथ रे हळ मसळ अछि आउ जणक हाथ रे सुदर्शन चक्र अछि ता अगर आमो बा शक्ति केते मु जेते बेले तम मानको गोटे कार्य देछि तम मानको रक्षा करबा होछि मोर धर्म सेथि पई तमे माने व्यस्त होनी मु तार व्यवस्था करूछि हे निद्रा देवी मु तुमको स्मरण करूछि प्रणाम माता मते काहें कि स्मरण करले निद्रा देवी तुम्हें श्री मंदिर को जीव दुई ठाकुर रत्न पलंग उपरे सोइछन्ति तुम्हें तांको निद्रा रे एभली अचेतन करदेव जमीते काली दिन दुई घड़ी जाए से मानकर निद भांगिबनी यहाद्वारा मोर किछि पाप हेबनी तो माता गोटे सत्यर प्रतिष्ठा करिबा पई मु संग्राम करूछि जदि सेतिर तुमर किछि पाप हुए तेबे से पाप को मुंडेबा पई मु प्रस्तुत अछि एबे तमे माने जाओ भलरे काम सारी फेरी आसो प्रणाम माता सांतानी राति अनेक हेलानी तुम्हें सोइबोनी ना राति सारा अनिद्रा रहिबो हाँ आज राति रे गोटे विराट बड़ घटना घटिबो सेथिलागी मते सारा राति अपेक्षा करिबाकु पड़िबो तू भीतर को जा सोई पड़िबो राति रे सांतानी बाहर को कुआडे जाउचंती नमामि नमामि महालक्ष्मी महालक्ष्मी पावर्ड बाय भारत मसाला विष्णु कर पत्नी होई मु जहा करूची ठीक करूची त दुई ठाकुर प्रति मोर भावना को
केही जदि भूल बुझंती केही जदि कुहंती त्रेतय आउ द्वापर युगरे मो प्रति जे असम्मान होइतिला मु तार प्रतिशोध नेउछि। ना समाज रे नारी रा सम्मान प्रतिष्ठा पाई मते आहुरी कठोर हबा को पड़िबो। महालक्ष्मी महालक्ष्मी।